तो अपन ईएमएफ और टर्मिनल वोल्टेज को समझेंगे। ये एक सेल है, इस सेल में दो इलेक्ट्रोड हैं, ये इलेक्ट्रोड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, और इसको एक वायर से जोड़ा हुआ है। इस वायर का जो रेजिस्टेंस है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, वो कैपिटल आर है, और ये जो सेल है, इस सेल के अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो स्मॉल आर है। इसमें जब करंट फ्लो करेगी तो करंट सेल के बाहर प्लस से माइनस की तरफ फ्लो करेगी, और सेल सॉरी सेल के अंदर जो करंट फ्लो करेगी वो माइनस से प्लस की तरफ फ्लो करेगी। हम ये मानते हैं कि एक पॉजिटिव चार्ज इस करंट की फ्लो के अंदर मूव कर रहा है, तो उस पॉजिटिव चार्ज को कुछ एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ये बात आप समझते हैं, जब तक हम पॉजिटिव चार्ज को एनर्जी नहीं देंगे तब तक इस सर्किट के अंदर करंट फ्लो नहीं करेगा। तो वो एनर्जी कौन देगा? वो एनर्जी इस चार्ज को मूव करवाने के अंदर, इस चार्ज को फ्लो करवाने के लिए जो एनर्जी प्रोवाइड करेगा, वो एनर्जी जो है ये हमारा सेल प्रोवाइड करेगा। ठीक है, अब सेल जो करंट फ्लो करने में टोटल वर्क करेगा, देखो इस इक्वेशन को आप ध्यान से समझना, इसी पे पूरा काम बेस्ड है। सेल जो टोटल वर्क करेगा, वो टोटल वर्क जो होगा वो सेल के बाहर करंट फ्लो कराने में, ये पोर्शन एक्सटर्नल है, ये वाला जो पोर्शन है ये पोर्शन एक्सटर्नल वर्क है, और सेल के अंदर जो वर्क होगा वो सेल के अंदर वर्क जो होगा वो इंटरनल वर्क हो जाएगा। तो वर्क डन फॉर फ्लोइंग द करंट इन एक्सटर्नल सर्किट एंड वर्क डन फॉर फ्लोइंग द करंट इन द इंटरनल सर्किट के टोटल वर्क डन के इक्वल आ जाएगा। अब आप लोगों को पता है कि वर्क डन जो होता है वो चार्ज इंटू वोल्टेज के इक्वल होता है, तो ये एक्सटर्नल वोल्टेज हो जाएगा। सेल के अंदर इंटरनल जो ड्रॉप होगा उसको वी इंटरनल लिख देते हैं, और टोटल जो ड्रॉप होगा उसको हम ईएमएफ से रिप्रेजेंट करेंगे। अब इसमें दोनों तरफ हम क्यूज कॉमन लेके कट कर देते हैं, तो ईएमएफ आ जाएगा एक्सटर्नल वर्क प्लस इंटरनल वर्क, यह आपको याद रखना है। एक्सटर्नल वोल्टेज जो होगा वो एक्सटर्नल वोल्टेज टर्मिनल वोल्टेज कहलाएगा, मतलब कोई भी सेल के दोनों टर्मिनल्स के बीच में जब करंट फ्लो कर रही होती है, उस ड्यूरेशन में जब सेल के टर्मिनल्स के बीच में जो वोल्टेज होता है वो वोल्टेज आपका टर्मिनल वोल्टेज कहलाता है। मान लो एक सेल है, उस सेल का आपको टर्मिनल वोल्टेज निकालना है, तो आप क्या करोगे, एक प्लस और एक माइनस से उसको वोल्टमीटर से कनेक्ट करोगे। जैसे आप वोल्टमीटर से कनेक्ट करोगे तो वोल्टमीटर के थ्रू करंट फ्लो करेगी, तो आपको सेल के दोनों टर्मिनल्स के बीच का जो वोल्टेज है वो वोल्टेज मिल जाएगा। तो आप याद रखिए, सेल के जो दोनों टर्मिनल है प्लस और माइनस, उसके बीच का जो वोल्टेज है वो टर्मिनल वोल्टेज होगा। इंटरनल जो वोल्टेज ड्रॉप होगा उसको हम IR से लिखेंगे, और ये हमारा टोटल इन दोनों का जो सम होगा वो EMF के इक्वल हो जाएगा। अब हमें अगर EMF की डेफिनेशन पूछे तो हम ईएमएफ को थ्री टाइप से डिफाइन कर सकते हैं। थ्री टाइप से कैसे डिफाइन करेंगे? सबसे पहले हम इसको इस तरह से डिफाइन करेंगे कि जो टोटल वर्क डन है उसकी जगह मैं लिख देता हूं, ये डेफिनेशन नंबर वन आपको समझा रहा हूं। टोटल वर्क डन जो है QE, उसको मैं लिख देता हूं एक्सटर्नल वर्क प्लस इंटरनल वर्क, और मैं चार्ज की वैल्यू को वन ले लेता हूं, इसकी वैल्यू को मैंने वन ले लिया। तो मैं सिंपली बोलूंगा इफ अ यूनिट चार्ज, क्योंकि चार्ज की वैल्यू को मैंने वन ले लिया, इफ अ यूनिट चार्ज मूव्स इन अ क्लोज सर्किट, एक क्लोज सर्किट में मूव कर रहा है, देन वर्क डन बाय द सेल इन द एक्सटर्नल सर्किट एंड सम ऑफ द वर्क डन बाय द सेल इन द एक्सटर्नल सर्किट एंड इंटरनल सर्किट इज इक्वल टू द ईएमएफ, वो दोनों का जो सम होता है वो ईएमएफ के इक्वल होता है। ये बात आपको याद रखनी है। या आप ये भी लिख सकते हो कि इसकी जगह पर यू कैन राइट टोटल वर्क डन, यू कैन ऑल्सो राइट टोटल वर्क डन, द वर्क डन टोटल वर्क डन फॉर मूविंग अ यूनिट चार्ज थ्रू अ सेल, टोटल वर्क डन फॉर मूविंग अ यूनिट चार्ज, कोई भी यूनिट चार्ज को इस सेल के अंदर मूव करवाना है तो जो टोटल वर्क डन होगा दैट वर्क डन इज कॉल्ड एज ईएमएफ, ये वर्क डन जो होगा वो इस ईएमएफ पे इक्वल हो जाएगा।
सेकेंड डेफिनेशन हम ये समझेंगे, अभी हमने समझा था कि जो आइडल सेल होता है, ये डेफिनेशन नंबर टू ऑफ द ईएमएफ बता रहा हूं आपको, आइडल सेल जो होता है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो होता है, तो आइडल सेल का जो टर्मिनल वोल्टेज होता है वो उसके ईएमएफ के इक्वल हो जाता है। तो बहुत सिंपल डेफिनेशन हो गई, इतनी सिंपल है दैट टर्मिनल वोल्टेज ऑफ अ सेल इज इक्वल टू द आइडल सेल इज इक्वल टू द ईएमएफ। ईएमएफ क्या है? ईएमएफ सिंपल है, टर्मिनल ऑफ वोल्टेज ऑफ द आइडल सेल इज इक्वल टू द ईएमएफ। कोई भी अगर हमें पूछे ईएमएफ क्या होता है तो आपको ये आंसर दे सकते हो कि कोई भी सेल जो आइडल सेल होता है उसके टर्मिनल्स के बीच का वोल्टेज ही उसका ईएमएफ होता है। उसके बाद में हम थर्ड डेफिनेशन एक और समझा सकते हैं, वो डेफिनेशन नंबर थ्री है, वो सबसे ऑथेंटिक है, इसको आप समझिए। अगर मैं इस सर्किट को यहां से ओपन कर दूं, अगर मैं इस सर्किट को ओपन कर दूं तो जो करंट है वो जीरो हो जाएगी। तो ये याद रखिए, जब हम सर्किट को ओपन कर देते हैं तो जो करंट फ्लो है वो जीरो हो जाता है और आपका ईएमएफ टर्मिनल वोल्टेज के इक्विवेलेंट हो जाता है। तो आप ये लिखोगे इफ अ सर्किट इज इन ओपन फॉर्म, अगर एक सर्किट ओपन सर्किट, इफ अ सर्किट इज इन ओपन सर्किट देन द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ दैट सेल, द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ दैट सेल इज इक्विवेलेंट टू द आपका ईएमएफ के इक्वल हो जाएगा। तो ये बातें आपको कुछ जो मैंने बताई है वो आपको याद रखनी है। इसके अलावा एक बात आपको और याद रखनी है कि जब सेल डिस्चार्ज हो रहा होता है, जब सेल डिस्चार्ज हो रहा होता है यानी सेल जब करंट फ्लो कर रहा होता है, देखो दो चीजें होती है कोई भी सेल, या तो डिस्चार्ज होता है या चार्ज होता है। जब सेल डिस्चार्ज होता है तो प्लस से करंट बाहर निकलती है और माइनस से सेल के अंदर एंटर करती है, लेकिन सेल की चार्जिंग स्टेट भी आती है। तो जब सेल चार्ज हो रहा होता है तो प्लस से करंट अंदर जाती है और माइनस से करंट बाहर होती है, करंट का डायरेक्शन रिवर्स हो जाता है, ये बात आपको याद रखनी है। तो जब सेल डिस्चार्ज हो रहा होगा तो हमेशा जो आपका ईएमएफ है, ईएमएफ की वैल्यू से टर्मिनल वोल्टेज हमेशा कम आएगा। जैसे आईआर की वैल्यू सपोज कीजिए 1 वोल्ट आ गई और ईएमएफ आपका है मान लीजिए 6 वोल्ट, तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे अगर, तो यहाँ पे लिखेंगे 6V+1, तो इस इक्वेशन से V की वैल्यू कितनी आ गई, 6-1=5 वोल्ट। तो एक बहुत अच्छा कंसेप्ट मैंने आपको बताया है, इसको याद रखेंगे। व्हेनेवर अ सेल इज डिस्चार्जिंग, जब भी कोई सेल करंट फ्लो करवा रहा होता है, देन इट्स टर्मिनल वोल्टेज इज ऑलवेज लेस देन द इट्स ईएमएफ, यह हमेशा ईएमएफ से कम होता है। लेकिन इसका रिवर्स भी ट्रू है। रिवर्स कैसे ट्रू है कि अगर हम एक सेल की चार्जिंग स्टेट करें, अगर हम एक सेल को चार्ज करें, अगर हम सेल को चार्ज करेंगे तो करंट अपोजिट हो जाएगी, रिवर्स डायरेक्शन में होगी, आपकी इक्वेशन V-IR हो जाएगी। इसको बहुत इंपॉर्टेंट अच्छे से याद रखना कि जो E होता है वो V-IR भी हो सकता है, लेकिन रिवर्स करंट कब होगी, जब सेल चार्जिंग स्टेट में आएगा। तो जब सेल चार्ज हो रहा होगा तो E = V-IR हो जाएगा, और इस कंडीशन में अगर आप देखोगे तो टर्मिनल वोल्टेज ईएमएफ से ज्यादा आएगा। कैसे, वही एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज कर लिए आईआर की वैल्यू 1 वोल्ट ले लेते हैं, ई की वैल्यू 6 वोल्ट रख देते हैं, ये दोनों वैल्यूज इस इक्वेशन में डालते हैं और वी की वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 6V-1, तो वी की वैल्यू आ जाएगी 6+1, दैट इज इक्वल टू 7 वोल्ट। तो टर्मिनल वोल्टेज है, इट कैन बी मोर देन, टर्मिनल वोल्टेज कैन बी मोर देन द ईएमएफ, ये ईएमएफ से ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए जो नेसेसरी कंडीशन है वो नेसेसरी कंडीशन है दैट सेल मस्ट बी इन द चार्जिंग स्टेट। सेल जो है आपका चार्जिंग स्टेट में होना चाहिए और डिस्चार्जिंग स्टेट के अंदर आपका जो ईएमएफ होता है वो ज्यादा होता है, टर्मिनल वोल्टेज कम होता है, और चार्जिंग स्टेट में टर्मिनल वोल्टेज जो होता है वो ज्यादा होता है और ईएमएफ कम होता है। इसके बाद में आपको एक पॉइंट और बता देता हूं मैं, जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे याद रखना है। जब हमें दो सेल इस तरह से दिए हुए हो, प्लस माइनस, वैसे तो ये केवीएल की से सॉल्व होता है, पर मान लीजिए अभी समझा देते हैं आपको, E1+E2, तो इस केस में जो नेट ईएमएफ आएगा वो आपका E1 प्लस
Q2 आएगा, ये याद रखना, दोनों का सम हो जाएगा। लेकिन अगर हम माइनस प्लस और प्लस माइनस को जोड़े, यानी प्लस से प्लस को जोड़े, तो यहाँ पे E1 है और यहाँ पे E2 है, तो जो नेट EMF आएगा वो आपका E1 माइनस E2 आएगा। ये बात आपको याद रखनी है। अगर प्लस माइनस है, ऐसी सीरीज चल रही है प्लस माइनस प्लस माइनस, तब तो ऐड हो जाएंगे। लेकिन माइनस प्लस प्लस माइनस है, यानी प्लस से प्लस जुड़ा हुआ है, माइनस से माइनस जुड़ा हुआ है, इन दैट केस जो नेट EMF होगा वो आपका कम हो जाएगा।